गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का वीडियो खासकर टीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट सीटेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो थ्योरी है एसआई थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या इसे थ्री डी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, या बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है, या बुद्धि का त्रिविमी सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो इसके जो जनक है वो जेपी गुलफोर्ड है, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर त्रिविमी जो त्रिविमी सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने तीन प्रकार की बीमारी बताई है। अब एक चीज और बता दें आपको, यहाँ पर इन्होंने 1967 में बुद्धि संरचना जो है मॉडल का प्रतिपादन किया, और उन्होंने खासकर खस्टन महोदय और स्पीयर महोदय के जो सिद्धांत थे उसकी उन्होंने कट आलोचना की, और उन्होंने कहा कि बुद्धि के संरचना सिद्धांतों को के जो कारक है उसको हम निश्चित नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा कि इनके अनुसार बुद्धि के जो तत्व हैं वो 120 तत्व बताए गए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अब आपको हम बता दें, इन्होंने बुद्धि के तीन बीमारी, सबसे पहले बीमा कौन सी बताई, संक्रियाएं रखी। दूसरी बीमा क्या बताई उन्होंने, ये जो है उत्पाद, ये तीसरी बीमा है। और दूसरी बीमा क्या है, विषय वस्तु। अब इनके अनुसार बुद्धि की जो प्रथम बीमा है वो जो है ये संक्रियाएं है। संक्रियाएं क्या है, सबसे पहले संक्रियाओं के अंतर्गत मैंने बताया संज्ञान, अधिगम का जो सबसे पहला चरण होता है वह है संज्ञान। और ये ध्यान रखें जो और जो ज्ञान का धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, वह होता है मेमोरी के द्वारा अर्थात स्मृति के द्वारा। उसके बाद उन्होंने कहा हर व्यक्ति के अंदर एक अभिकेंद्रीय चिंतन होता है, परंपरागत चिंतन, अर्थात रोटी कपड़ा मकान इसकी चिंता लगी रहती है। इसे क्या कहते हैं, बुद्धि के द्वारा ही होता है। तो बुद्धि किस प्रकार से काम करती है इसके बारे में होता है, तो ये परंपरागत चिंतन होता है। तीसरा क्या है, गैर परंपरागत चिंतन, जो लोग सामाजिक होते हैं समाज से हटकर काम करते हैं वो सब लोग क्या होते हैं, गैर परंपरागत चिंतन होता है। उसके बाद चौथा है, ये सब विषय वस्तुओं के आधार पर क्या करता है, जो मूल्यांकन, इस मूल्यांकन के आधार पर क्या है, बुद्धि मूल्यांकन करती है। उसके बाद जो सेकंड बीमा बताई गई है वो कौन सी बताई गई है, वह है बताई गई है आकृति, अर्थात जो ये विषय वस्तु है ये सेकंड बीमा है। दूसरी बीमा, दूसरी बीमा में सबसे पहले क्या है, आकृति, कि किसी चीज की आकृति बनती है, आकृति बनती है उसका चिन्ह अर्थात उसका दिखाई पड़ता फीचर बनता है, उससे क्या है हमारा एनालिसिस करते हैं। दूसरा क्या होता है, क्या है सांकेतिक, सांकेतिक मतलब क्या हुआ संकेत, अर्थात जब हम जैसे चिन्ह है अंक है ये सब क्या है सांकेतिक। उसके बाद क्या है शाब्दिक, अगर कोई वर्बल कोई बात होती है, तो ये जो दूसरी बीमा हमने बताई दूसरी बीमा जो विषय वस्तु है उसके अंतर्गत है शाब्दिक, शाब्दिक के अंतर्गत ये तत्व है। उसके बाद चौथा है वह है व्यवहारिक, विषय वस्तु का जो चौथा तत्व है वो क्या है व्यवहारिक। उसके बाद एक चीज और बताते हैं आपको, जो अंतिम है, अंतिम जो बीमा है वह क्या है, वह है उत्पाद अर्थात परिणाम। इसके छह तत्व है, यहाँ पर छह तत्व, पहला तत्व क्या है इकाई, किसी चीज की इकाई। और ये सारे, ये सारे जो खासकर हमारे साइकोलॉजिस्ट जैसे हमने बताया कि जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जेपी गिलफोर्ड थे उन्होंने जो 120 तत्व बताए, इन्होंने जो 120 तत्व बताया वो क्यूब के जैसा बनाया, क्यूब के जैसा ही बनाकर उसकी संरचना की। तो सबसे पहले बताया इकाई, दूसरा क्या बताया वर्ग बताया, तीसरा क्या बताया हमने संबंध अर्थात रिलेशन, अर्थात इसके द्वारा क्या संबंध स्थापित किया ये बताया। चौथा क्या बताया सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद क्या बताया रूपांतरण, और उसके बाद लास्ट में क्या है नेता, उसका जो महत्व क्या है उसका उपयोगिता क्या है। तो ये कहने का मतलब है कि खासकर जेपी गिलफोर्ड में अब आप बिल्कुल एक बार में इसको समझ जाए कि उन्होंने तीन प्रकार की बीमारी बताई। जो पहली बीमा थी वो संक्रिया थी, संक्रिया में इन्होंने पांच तत्व बताए, संज्ञान, दूसरा स्मृति, तीसरा जो है अव्यक्तिक चिंतन या परंपरागत चिंतन,
चौथा जो है स्थायी चिंतन या गैर परंपरागत चिंतन, और जो पांचवा बताया वह मूल्यांकन, जो कि दूसरी बीमा थी। दूसरी बीमा थी विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंदर जो पहला तत्व था वह था सांकेतिक आकृतिक, दूसरा सांकेतिक, तीसरा शाब्दिक और चौथा व्यवहारिक। जो इनका तीसरी बीमा थी अर्थात जो उत्पाद या परिणाम, उसका जो पहला तत्व था वो इकाई, दूसरा क्या है वर्ग, तीसरा है संबंध और चौथा है प्रणाली, पांचवा है उपांतर और छठा है निहितार्थ। अर्थात जो बुद्धि है, बुद्धि एक ट्यूब की तरीके से काम करती है, और 1967 में इस बुद्धि परीक्षण अर्थात बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उन्होंने बताया कि जो 4 × 5 × 6 अर्थात बुद्धि 120 तत्वों से मिलकर बनी होती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट किया, फिर बताया 160 तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। और उसके बाद जो अब अगर पूछा जाए कभी हिंदी में कि बुद्धि के जो तत्व हैं, खासकर जो आज के परिप्रेक्ष्य में जेपी गिलफेर्ड के द्वारा, वो कितने तत्व हैं, तो उन्होंने बताया 180 तत्व। तो यहाँ पर ये अलग अलग एक टीवी में स्टेटमेंट नेट में बहुत बार पूछा गया है कि अगर कहीं पूछा जाए आपसे कि जैसे वर्ग, वर्ग में कितने तत्व हैं, तो आपको क्या है, जैसे यहाँ पर उत्पाद या वर्ग किसका तत्व है, तो उत्पाद है, या ये पूछा जाएगा कि परिणाम में कितने तत्व होते हैं, ये 5 × 6 तत्व होते हैं, या ये पूछा जा सकता है कि संक्रियाएं हैं, जैसे संक्रियाओं में कितने तत्व होते हैं, तो 5 तत्व होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि विषय वस्तु में कितने तत्व होते हैं, तो 4 तत्व होते हैं। तो इससे संबंधित टीटी में जरूर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और मैंने आज इसको बहुत शॉर्ट में बताने का काम किया है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपको डिटेल में जेपी गिलफोर्ड का मॉडल आपको समझाऊंगा, और इसमें कुछ भी आपको लग रहा हो, कोई क्वेश्चन कमेंट करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।